नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के आर दुबे। आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे क्योंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है और इस मौसम में हमारे ओरस फाइब्रोसिस के पेशेंट हों या फिर नॉर्मल पेशेंट हों, उनके मुँह में बार बार छाले बनते रहते हैं। अब जो भी पेशेंट हों, मतलब जो भी इंसान होता है, कुछ न कुछ सोचता रहता है, कुछ न कुछ उसके दिमाग में बनता रहता है। तो आज का ये टॉपिक यही है कि मुंह के अंदर बार बार जो छाले बन रहे हैं, इनके होने का कारण क्या होता है और इनको घरेलू उपाय से कैसे हम सिर्फ कुछ नुस्खे करके एक कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे कि जिसको कि ले करके आप मतलब रात को उसको बना के रख दीजिए और सुबह उठ के सिर्फ खाली पेट खा लेंगे तो आपको मुँह की जो प्रॉब्लम है जड़ से खत्म हो जाएगी और एक महीना कर लिए तो पूरी जिंदगी में कभी आपके मुंह के अंदर छाला नहीं पड़ेगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा और सबसे अच्छी बात कि जिनको जरूरत होगी उनको इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। जैसे कि आपको पता होता है कि आपके मुंह के अंदर बार बार छाले बन रहे हैं, ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस के पेशेंट हैं जिनके कि मुंह के अंदर बार बार छाले बन रहे हैं, तो उसमें वेसाइकल फॉर्मेशन होता है और वो बार बार छाले क्यों बनते हैं इस पर भी मैंने वीडियोज बनाया हुआ है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ छोटे में कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर सोचने लगते हैं तो आप ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस को लेकर सोचने लगते हैं, मुंह में बार बार छाले बनते हैं, इसलिए क्यों छाले बनते हैं। बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो, हार्मोन्स आपका इम्बैलेंस होगा तो जिसके कारण आपके पेट की जो जठर अग्नि है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी, जिससे कि आपके पेट में गर्मी पैदा होगी और उस गर्मी पैदा होने के कारण आपके मुँह के अंदर छाले बनते हैं। ऐसे ही नॉर्मल पेशेंट में भी होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण, मतलब किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो, ये आपके मतलब ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस का ही नहीं, किसी भी चीज़ का, अपने काम का स्ट्रेस हो, परिवार का स्ट्रेस हो, आने जाने का स्ट्रेस हो, या रात में प्रॉपर नींद नहीं हो रही है इस चीज़ का स्ट्रेस हो, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस लेने के बाद हमारे पेटों में हार्मोनस इम्बैलेंस होता है, अच्छे से खाना पच नहीं पाता है, जिसके कारण हमारी जो जठर अग्नि है वो अच्छे से प्रज्वलित नहीं हो पाती है, एनर्जी प्रॉपर नहीं मिल पाती है, जिसके कारण कि हमारे मुंह के अंदर छाले 101% बनते हैं। तो जो मुंह के अंदर छाले होते हैं ना, यहाँ पे जो छाले अंदर बन रहे हैं उसका यहीं से कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना आपके पेट से होता है। आपके पेट में कुछ गड़बड़ी है जिसके कारण कि आपके मुँह में बार बार छाले बनते हैं। आप दुकान पे जाते हैं, मेडिकल पे जाते हैं, या कोई भी उपाय बता दिया, कोई यूट्यूब पे देख लिया, कहीं भी देख लिया, आप उसको ले करके थोड़ा सा जो भी उपाय हुआ वहाँ पे लगाए, छाला खत्म हो गया, दो चार दिन बाद फिर से वही हो गया। तो यही प्रॉब्लम होती है, छाला जब हो जाता है ना तो आप कुछ खा नहीं पाते हैं, और जब कुछ खाएंगे नहीं तो आपकी ऑलरेडी जठर अग्नि आपके पेट में प्रज्वलित है, वो कैसे संगी होगी और वो कैसे ठीक होगी। तो इसी पे हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे उपाय करके आप अपने प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको लेना है अमरूद की पत्ती। अमरूद के फायदे आपको बहुत पता है, बहुत अच्छे से पता है, बहुत सारे वीडियोस आप देख चुके हैं कि अमरूद का कैसे कैसे फायदा होता है, अमरूद को कैसे कैसे खाने से कितना कितना फायदा होगा और किस किस लेवल पे आपको फायदा होगा, आपकी कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं। लेकिन अमरूद की पत्ती, जो अमरूद की कोमल कोमल पत्तियाँ होती हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ जो निकली हुई होती हैं, उन पत्तियों को लेना है और ज़्यादा नहीं, एक बार में सिर्फ दो पत्ती लेना है। अब अमरूद की पत्ती आप ले लिए, उसके बाद लेना है आपको कत्था। कत्था खड़ा कत्था मिलता है या आपके अपने पंसारी की दुकान पे या पान की दुकान पे आपको कत्था बना हुआ मिल जाएगा, या पाउडर भी मिल जाएगा तो भी चलेगा। अगर कत्थे का पाउडर मिलता है तो उसको 1/4 चम्मच, और बना हुआ कत्था होता है तो अपने हिसाब से आप उसको ले लीजिएगा, 4-5 चुटकी लेना है, दो पत्ती में 4-5 चुटकी आपको उसको लगाना है, और लगा करके उसको अच्छे से जैसे पान खाया जाता है उसको ले करके अपने मुंह में रख लेना है, और उसको आप धीरे 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 करके चबाएंगे और ऐसे चबाएंगे कि आपके मुंह में सलाइवा बनता जाए। बस यहाँ पे एक पॉइंट को नोटिस करना है कि आपको उसको निगलना नहीं है, जैसे पान के पित्त को आप निगल जाते हैं सलाइवा के साथ में, इसको निगलना नहीं है, इसको मुँह में चलाना है और सलाइवा को मुँह में इतने तेज़ी से रखना है, देर तक रखना है, कम से कम 4-5 मिनट रखिए, जिससे कि आपके जो छाले हैं उसके ऊपर सलाइवा मिक्स हुआ जो अमरूद की पत्ती का पेस्ट और कत्थे का पेस्ट बिल्कुल लग जाए। कत्थे के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कत्था जो होता है वो बिल्कुल आपके पेट को ठंडा करता है, आपके पेट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करता है, आपके घाव को ठीक करता है, और किसी प्रकार के अल्सर को भी कत्था ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब तो ये रहा अमरूद की पत्ती के साथ, लेकिन
अब आपके पेट में गर्मी है तो उस गर्मी को कैसे ठीक किया जाए। जब पेट में गर्मी होती है तो उस गर्मी को ठीक करने के लिए आप नारियल पानी का उपयोग कीजिए। गर्मी भी चल रही है और इस समय नारियल पानी भी मिल रहा है, आप रोज एक नारियल पानी पीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अगर आपके आसपास नारियल पानी नहीं मिलता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सिर्फ एक गिलास पानी में एक नींबू डाल के खाना खाने के बाद उसको पी सकते हैं, आपको बहुत फायदा करेगा। नारियल पानी लीजिए या तो फिर नींबू पानी लीजिए, दोनों कोई भी अंतर आपको नहीं है। उसके बाद में पेट को ठंडा करने के लिए आप छाछ ले सकते हैं, जिसमें कि पुदीना की 4-5 पत्ती डालकर के अगर आप लेंगे या तुलसी की पत्ती डालकर लेंगे तो आपको बहुत फायदा करेगा। ये तो रही पेट को ठंडे करने की चीज़ें। दही भी आप एक कटोरी रोज खाएंगे, उसमें शक्कर डाल करके, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। लेकिन अब ये बताते हैं कि अगर एक ऐसा नुस्खा है जो रात में बना करके आप रख देंगे और उसको सुबह खाएंगे तो आपको ज़बरदस्त फायदा करेगा, और ये नुस्खे को अगर एक महीना आपने प्रॉपर कर लिया तो आपके पेट की जो प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात होगी कि आप किसी भी प्रकार के पेट की समस्या से बिल्कुल दूर हो जाएंगे, और मुँह में छाले तो पूरे जन्म पूरे जिंदगी आपको नहीं बनेंगे। करना क्या है, आपको लेना है एक केला। अब उस केले के छिलके नहीं उतारने हैं, उस केले को लेकर के उसको 20 से फाड़ लेंगे और उसमें आधा चम्मच जो कत्था था उसको भर दीजिए। भर करके उसको रस्सी से या जो आपका सूती धागा होता है उससे अच्छे से कस के बांध करके उसको एक जगह रख दीजिए। रात भर उसको रखे रहने दीजिए और सुबह उठ करके छिलका उतार के इस केले को खा जाइए। और आप ऐसे कम से कम 15 से 20 दिन करेंगे, आप फायदा खुद आप इंस्टेंट मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे। इस वीडियो में रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्वेरीज हो तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें मैं नहीं यूज़ कर रहा, इसके जगह पर मैं कौन सी चीज़ें यूज़ करूँ, ऐसा भी आप पूछ सकते हैं। कुछ लोगों को कत्था नहीं मिलता है अपने छाले को ठीक करने के लिए, तो वो शहद को लेकर के अपने मुंह के अंदर जो छाले होते हैं वहाँ पे पूरा लगाएं, या जीभ के ऊपर डाल करके जीभ से ही पूरे छालों को लगाएंगे तो भी आपके मुंह के अंदर के छाले बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में अगर नींबू, जैसे मैंने केले के साथ बताया है वैसे नींबू को बीच से 2 पार्ट में काट लीजिए और वहाँ पे 1/4 चम्मच कत्था लगा करके उसको अच्छे से पैक करके बांध दीजिए, और बांध करके इसको कुछ समय के लिए मतलब पूरे रात को रख दीजिए और सुबह उठ करके इसी नींबू को चाटते चाटते धीरे धीरे करके पूरा खत्म कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपको देखते ही देखते आपके बॉडी में बहुत परिवर्तन होगा, आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएगा, आपके पेट की जितनी भी प्रॉब्लम थी सब दूर हो जाएंगी और आपको मुंह में कभी छाले नहीं पड़ेंगे। ये बिल्कुल आजमाया गया नुस्खा है और इस नुस्खे को आजमा करके लाखों लोग अपने पेट की प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं। तो कत्था नहीं मिलता है तो शहद, शहद नहीं मिलता है तो अमरूद की पत्ती कत्थे के साथ, या फिर केले के साथ कत्थे के साथ, या फिर नींबू और कत्थे के साथ, जितने भी उपाय को बताया गया है। ऐसा नहीं है कि सारे उपाय को आपको करना है, आपको इन सब में उपाय में से किसी एक उपाय को करेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, और इसको करके आप अपने मुँह की प्रॉब्लम और अपने पेट की प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, आने वाली वीडियोज़ में नए नए टॉपिक बात करेंगे, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।